عفو المية وزكاة مفرقة جدا. زكاة وعفو مفرقة جدا. زكاة عفو ये जो हजरत फरमा रहे हैं आप कह दीजिए कि जो बाकी बचे सब दे दो फिर ज़कात का क्या मतलब है ज़कात और अफ़ दोनों में फर्क है कि नहीं मेरा मतलब जैसे सारी को और मानने वालों को रिश्तेदारों को सबको दे दी भी अल्लाह के अल्लाह का हुक्म है कि भाई कसम जिहाद में भी दो हमको मिलता है यानी अफ़ में और ज़कात में फर्क नहीं है जो बाकी बचे सब दे दो फिर ज़कात को उसका 2.5% होने की वजह से तो आप ये सवाल कर रहे हैं ना 2.5% हदीस में बताया करके आप ये सवाल कर रहे हैं अगर 2.5% नहीं बताया जाता तो आप भी ये सवाल नहीं करते थे तो ऐसा कि अल्लाह तबारक ने क्यों नहीं दिया कि काबे की छत पर कुरान को ला करके डाल देता और लोगों से कह देता कि जाओ अपना ना समझो रसूल की रूह की मर्जी नहीं है ऐसा सवाल तो हम कर ही नहीं सकते उससे तो ऐसा सवाल करना भी जो है गलत बात है अल्लाह से नहीं माननी है तो उसका कोई मान लीजिए इतना सिर्फ कहते आप सिर्फ नमाज पढ़ के बताओ या हज करके बताओ कुरान से कुरान फाइज है ना क्या फायदा सिर्फ हुक्म है हज करने तरीका नहीं तो हुक्म कैसे अमल करेंगे हर चीज सुन्नत है सभी कुछ ये हमारे पास नबी की जो जितनी सीरत है वो पूरी सुन्नत ही है ना हम मान लो तो हमारा मकसद ये नहीं कि पूरी हदीस से टकर तो जो सही हदीस भी अगर जो कुरान से टकराती है हमारा समझ में आ रहा है कि उसको ले लेना चाहिए एक हमारा ये हदीस मानते हैं हाँ ना तो भाई जो सही भाई झगड़ा कर तो फिर सही जो है वो भाई जब आप मान रहे हैं मान रहे हैं आप तो कह रहे हैं आप मान रहे हैं आप उसको दस्तक कर रहे हैं आप जो बात कर रहे हैं लगा इनको ऐसा कि आप अहले हदीस दी है अहले कुरान है उन्हें क्या कुरान में हमने तो किसी को मिले नहीं मेरे हदीस है वो लदीस है उन्होंने भी आपसे बात की हदीस वो लदीस कुछ भी इस्तेमाल आ रहा है हमारे उसके उससे क्या लेना देना है लोगों ने कुफर का फतवा लगाया अभी गोरबा आए जिसने जिम्मे देने जिसको कुफर का फतवा लगाया वाले क्या करेंगे इनो मान देंगे उसको फिर भाई फतवा अगर मुनकिरिन हदीस गोरबा आए जिसने छोड़ो ना ले नहीं सर इसको छोड़ मुनकिरिन हदीस गोरबा आए जिसने मुनकिरिन हदीस आए हदीस को बोले फिर बस पर चाहे चलो छोड़ो ऐसा नहीं अपना उस पर तो ऐसा नहीं हमारे भी कोई भाई अपने हमारे भी जो है तो हदीसों को देखो आप कि हमारे क्या क्या नहीं हम मान लें हदीस और सुन्नत में फ़र्क बताए हदीस और सुन्नत का फ़र्क ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये सुन्नत है और इसके जानने का तरीका हदीस है जैसे बुखार बार कहाँ दिखाएंगे बदन के अंदर दिखाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया सुन्नत वही सुन्नत हाँ तो उसको सुन्नत ही समझा रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात या 8 रकात या जितना तहज्जुद पढ़ा आप हदीसी के अंदर देख लीजिए अभी अपना सुन्नत नहीं नहीं आपसे पहले सुन्नत की बात सुन्नत भी दे अमल सुन्नत माने अमल हाँ ये अमल कहाँ दिखाएंगे आप अमल कहाँ दिखाएंगे आपने करके बताया हदीस में है ना हदीस में दिखाएंगे वो अमल साहबा ने देखा आपको करते हाँ बोलता आप ये देखो उसको क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे हदीसी को क्या कहेंगे हदीस को कहेंगे जिसको साहबा ने बयान किया साहबा बयान का मतलब नहीं आ रहा नहीं देखो यहाँ पर अभी जो है तो साहबा ने देखा उसका तो क्या कहेंगे तब नकल नकल तो उसको क्या वो अमल की नकल अलग चीज हो रही है और नहीं नहीं तो उसको उसको नाम देखा आ रही है अंदर का अमल हाँ तो कड़ी का अमल कहाँ दिखाएंगे आप हदीस में तो ये बयानी अल्फाज नहीं चल रहे हैं यहाँ पर अभी जो है तो नकल चल रही है वो दूसरा मौजू है हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफूलियत किया और जो है आपने बताया रफूलियत किया अब इसको कहां देखेंगे और हदीस को देखेंगे और बिल्कुल वो हकीकत में है तो होया कि सुन्नत को देखने के लिए हदीस जरिया है तो क्या कहां देखेंगे सुन्नत को सुन्नत जो है तो आप कह रहे हैं कि हजरत करीम का अमल अमल और उसको और हदीस जो है तो अल्लाह का किसका कौल कौल नहीं हां कौल भी और तरीका भी सब उसी हदीस में मिलेगा आपको वो काम ही नहीं अब आगे ना बात वो काम ही नहीं हदीस कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी हदीस कहाँ मिलेगी सवाल किताबों में मिलेगी हदीस कुरान में ठीक है जी हदीस कुरान में पुस्तक में हदीस कुरान में कभी अन्य हदीस बाद अभी हो गया नजर नहीं मैं यूँ कर सकती हाँ बाकी कह दो इनसे क्या
छोड़ दो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और उनको जो इस हदीस को छुपलाता है। हदीस और भी मालूम है तुम्हारा है कि हमें ना से मैं यश्तरी लहव हदीस, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लहव गलत हदीस खरीदते हैं। हदीस अच्छे भी मान अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया अल्लाह के, फइन खैर अल हदीस की किताब, सब कुरान की बात है अल्लाह की हमारे रुफा जो है उसी पे अड़े हुए है कि मुमकिन हदीस हो गए। हम तो शुरू में एक ऐसा सवाल है अपना, आपको नहीं मालूम यहाँ पर जो है ना दो 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 जुआ हमारे वास्ते जो है तो मुनकिरिन हदीस बयान हुए, ईद के दिन दुआ हुई, समझे कि नहीं? सही है बात। हाँ, कोई ऐसा समझाया नहीं कि भाई चलो भाई बैठो तुम अपने अपने तौर पे ग्रुप बना के जो है इसको जो है उछाला गया। वो असर आपने जो बताया समझाया नहीं गया, ये तो मैं खुद इस बात से यही पर अपने बैठे थे जुमा के बाद से लेकर हम हदीस को तोड़कर इनकार कर रहे हैं। आप देखो कि हमारा क्या मंशा है, आप ये देखो पहले कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये क्या है कि आप क्या गलत बोलती है, हदीसों को मानते हैं, हमने क्या गलत बोलती है वैसा बताओ ना आप, क्या है कौन सी हदीस को मानते हैं, कौन सी हदीस कौन नहीं है, हदीस के मुनकिर कौन नहीं है मुझे बताइए ना। तकरीबन सब अपनी अपनी जगह पर कुछ कुछ लोगों से मुतबास को अल्बानी कहते हैं, अल्बानी रहमतुल्लाह बिनबास को कहते हैं, अल्बानी बिनबास कहते हैं कि समीउल्लाह हमीदा के बाद हाथ बांधना जो है तो सुन्नत है, और नासुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह उन लोग कहते हैं बिदअतुन ज़लाला है। अब ये दोनों भी एक दूसरे की हदीस में जो है उनके हदीस हो गए, फिर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे जैसा एक आदमी ये उलझावा है, ये उलझावा नहीं है, एक आदमी एक हदीस की तहकीक करता है उसके नज़दीक वो तहकीक का अंदाज सही नहीं रहता है तो दूसरा तो उसको ये ऐसा कहिए ना कि आप हदीस को मानते हैं, आप हदीस को मानते हैं तो जिन जिन अहादीस के ऊपर आपको शक है तो उन उन अहादीस के ऊपर आप सिर्फ इस जिन अहादीस को आप मानते हैं ठीक है, और एक तरफ रखिए जो जो अहादीस आपकी समझ में नहीं आ रही है उनके बारे में आप बस हमें इस पर वो नहीं है। हम बहुत सारे जैसे हम हुए तेहलाल के कायल, बहुत सारे अहले हदीस के कायल, मैं तो बताऊँ पूरी दुनिया के अंदर एक दिन ईद हो और एक दिन जो है रोजा रखा जाए, मैं इस बात का कायल हूँ। बहुत सारे लोग इसके कायल नहीं, हम लोग कायल नहीं, बहुत सारे लोग ये लोग कायल नहीं, हम लोग कायल नहीं। तो ये जो जूसी इख्तलाफ, ये जूसी इख्तलाफ है, ये मेरा इशारा है। तो हमको पूछा नहीं गया कि तुम्हारा जूसी इख्तलाफ है क्या है, तुम पूछ रहे हो तो ये तय हुआ कि हदीस को मानते हैं, हदीस का इनकार नहीं है तो बात खत्म हो गई। हदीस को कुरान से नहीं टकराती, हम उस पर ले लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जो अल्लाह और रसूल निसा में 175 आया, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह के साथ और इन्होंने मजबूत पकड़ा इसको इसको कुरान को, तो यहाँ जो दो अल्फाज हमारे पास हदीस में बताए गए कि दो चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ जा रहा हूँ, कुरान और हदीस, इसे मजबूती से थामे रखो और तुम गुमराह नहीं हो, ये हमने बार बार सुना है। तो अब हमको ये लग रहा है कि भाई यहाँ अल्लाह की आयत है, अल्लाह बोल रहा है इसको मजबूती से पकड़ो तो वो ज़रूर दाखिल करेगा इनको अपने रहमत में, अपने फजल में, और बदला देगा इनको अपने तक पहुँचने का सीधा रास्ता। कुरान अल्लाह बोल रहे हैं कुरान को ही मजबूती से पकड़ो, और कुरान को ही क्या अल्लाह कुरान की आयत पढ़ेंगे, हाँ
कुरान क्या है पढ़ेंगे उसमें देखिए ना क्या है। देखिए जैसे भी नहीं लाया नहीं आपने खाइए वही जो आपने पढ़ाया है ये कुरान मैंने माना नहीं निकल आना ऐसे कई आयत है जो अल्लाह ताला ने आप जो है तो कुरान को ही उसमें देखो ये थोड़ा सा मतलब पैसा बिगड़ जाता है। अरे बैठो नोट करेंगे ठीक है ही मतलब कुरान को मजबूत करो। हाँ कुरान को मजबूती से पकड़ो। इस कुरान को मजबूती से पकड़ने का क्या मतलब? हाँ कुरान को मजबूती से पकड़ने मतलब इसी को फॉलो करो। इसी को फॉलो करो बात तो सुनो अगर भाई आप तर्जुमा आप क्या कर रहे तो अम्मा लजीन बात तो सब तो गलत कर रहे हैं आप वो मैं नहीं कर सकता तर्जुमा मैंने ये कमाने का जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए जी और उन्होंने उसको मजबूती से पकड़ा कुरान की एक आयत जैसे किसमें ये आयत होती है मुहकम और एक होती है मुतशाबे मानते हैं। तो कोई आयत अगर मुतशाबे है तो उसको समझने के लिए किस तरफ फेरा जाए उसको जब आपको मौका बता रहा हूँ आपको मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आधा तीन आधा बटे मत रहिए जब आपको मालूम है कि ये आए कुछ अल्लाह में आपको पकड़ने का अल्लाह एहतसाम समझते हैं किसको बोलते हैं एहतसाम ऐसे मजबूती से पकड़ने को बोलते हैं एहतसाम मजबूती से पकड़ने को अल्लाह को कैसे मजबूती से आप पकड़ेंगे इसका मतलब है कि मुतशाबे आयत है मुतशाबे आयत। अब मुतशाबे आयत को समझने के लिए कहाँ जाएंगे हम मोहकम की तरफ। अब मैं मोहकम बोलता हूँ इसी यही है मोहकम ये देखो मैं दिखा रहा हूँ मोहकम इसी के पीछे नहीं नहीं इधर है ये देखो जी यहाँ ये मौका आए थे कि अल्लाह को पकड़ने का मतलब अल्लाह की रस्सी को सब मिल करके मजबूत से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान खा लिया रस्सी बट करके बताइए रस्सी बट कर बताइए रस्सी बट करके आप बताओ रस्सी किसको आप रस्सी बट कर रस्सी एक लड़ी को नहीं बोलते हैं रस्सी ऐसे बोलते हैं ये रस्सी ऐसे बट मिल जाती है एक लड़ी ये है और एक लड़ी है अब ये रस्सी बनती है ये किताब सुंदर बना है आपने इसको रस्सी बोलते हैं रस्सी इसको नहीं बोलते इसी वजह से कहा गया अतीउल्लाह के बाद बात रसूल और जो वाफ तफसीर लिखा है ना तफसीर किताब में आप नहीं दिखा सकते कोई नहीं बता सकता कि अतीउल्लाह के बाद अतीउ रसूल इताअत करो अल्लाह की यानी इताअत करो अल्लाह यानी बैठो कुर्सी पर यानी बैठो पानी पर बैठो कुर्सी पर यानी बैठो पानी पर
अरे शेख उससे पहले मुहर्रम आया था, आप ये भी पढ़ दीजिए ना, वो कहीं मतलब कुरुना मान तुम तो उतला अलैकुम आया तो लफीकुम रसूलुकुम रसूलहू अरे दमिया रसूल है। अच्छा उसके आगे हमें या तसिम बिल्लाह फकत हो जाएगा सिरात मुस्तकीम। अब ये देखो हिस्सा हमारे दरमियान, हमारे दरमियान रसूल मौजूद है, रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। रसूल क्या करता है? रसूल जो है तो कुरान पढ़ के सुना रहा है, कुरान के अहकाम बता रहा है, उसका अमल कर रहा है और अमल की दावत दे रहा है रसूल। अच्छा तो इन आयात के ऊपर अमल कैसे किया आपने, कहा है अमल किया आपने, कहा है अमल किए उन्होंने, कुरान का अमल किया। अमल किसके लिए किया? अपने लिए कि आप आए थे दुनिया को बताने के लिए, आपको अमल किधर है बताया? क्यों मतलब जो भी हुक्म आया वैसा अमल किया आपने, तो कहां मिलेगा मैंने आपको बताया कि जो हदीस में आया है सही में। अब देखो अब हदीस आप मान रहे हैं, अब देखो तो पहले भी मान रहे ना, मतलब बात खत्म हो गई। इतना मान लिया जाए, इतना मान लिया भाई हदीसों को मानते हैं, बस ये मसला रह गया कि जो कुरान से टकरा रहे हैं, जो कुरान से टकरा रहे हैं, टकराने किसको टकराने का क्या? ये पानी है, ये आग है, दोनों टकरा गए। अभी पहले बताइए कि कुरान में कहा सोने के बारे में क्या है? ये लोग के तालुक से लोग कह रहे हैं, लोग बकवास नहीं है, नहीं वो गलत है। अगर ये गलत है मेरी बात सुनिए, गलत जब आपसे वो जब लाजवाब हो जाते हैं और वो नहीं है, क्योंकि आप इन वाले हैं, आपका अलग नजरिया है, तो उसकी सनद ये मिल जाएगी कि ये लोग क्या बोलेंगे कि हमने सही बोले थे। मुझे देखे और कोई ऐसा पूछिया यहाँ का है हजार भाई के अलावा कोई और तो हम आते भी नहीं। हाँ ये इसके पानी है, इतनी मेहनत है इनकी, यही बुलाते बुलाते थे मोहब्बत की बुनियाद पर है, इससे जो मोहब्बत है उसमें क्या इससे हमें अच्छे मोहब्बत है, इसकी बुनियाद पर हम लोग आए अगर सब कुछ करने वाले आप छोड़ना नहीं है उनका रखा गया बस और कोई बात नहीं। जमात हो रही है, पूरी जमात उसमें परेशान है। सही बात है, अजहर भाई को कोई निशाना नहीं बना रहा है, यही बुलाते थे भाई हम यार, हम लोग आज तक ये बोल रहे हैं कुबा की ये नया मसला कहाँ से निकाली समझ नहीं आता। कारल्ला कला रसूल की आवाज़ बुलंद करने वाला कोई है? मैं ये कहता हूँ ठीक है चलिए हदीस मानते हैं, मुमकिन है हदीस कोई नहीं कहेगा, मत कोई कहने वाला है, बस हो गया हदीस मानते हैं। जो टकरा रही है कुरान से, अब वो टकराना आप देख लीजिए, टकराने का मतलब समझ लीजिए कि मैंने ये बताया भी कि देखो ये चीज़ यहाँ से यहाँ टकरा रही है, तो टकराने का मतलब टकराने का सॉल्यूशन है कि नहीं देखना। अगर आपके उसमें ऐसा लग रहा है तो आप तहकीक करें कि टकरा रही, टकराने के बाद मसला नहीं मिला छोड़ दीजिए उसको, जो जो नहीं टकरा रही सुना लीजिए। अब जैसा मेराज का बात है, मेराज के वाक्य में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम में दिखाया गया कि लोग कौन आज़ा होते हैं, अब उसमें समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई अभी तो कुछ हिसाब किताब भी नहीं हुआ, तो वो लोग कौन है, उनको जो है तो अल्लाह के रसूल ने यानी कि अल्लाह ने वैसे पैदा कर दिया और आज़ाब देके बता रहा है कि ये झूठ बोलते थे या अकीबत करते थे, इस्लामी थे, जो भी है आज़ाब होते नहीं पता रहता, ये तो कुरान ही पता। सूद खोर के बारे में उसने दिया है कि वो पेट में आग जो है माले हराम खा रहे हैं और उसमें ये दिखाया गया ध्यान में तैरा के। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा किया गया, कायत इन्न लदीन या कुरुना मारे लगा मसुलमन में नमाया कुरुना, जो लोग यतीमों का माल नाजायज खाते हैं वो अपने आग अपने पेट में आग खाते हैं, आग कौन खाता है? अब इस आयत के करीमा की शर्ह आपको डेमो करके नहीं दिखाता जाता, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई उससे पहले उसका ट्रेलर दिखाया जाता, चंद लोग देख लेते हैं। अगर अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को उसकी खोरों का अंजाम पर एक मंजर दिखा के जाना जाए कैसे कौन सी आज बताया शेख अल्लाह ने कैसा अल्लाह के रसूल को कुरान में वहाँ के पता और वो लोग कौन है अब अल्लाह की सुन्नत ये है लेकिन यहाँ बताया नहीं सजा का उसलूब है सजा नहीं सजा का उसलूब है नहीं तो लोगों को बताया लोगों को पैदा किया और क्या सजा होती है तो खामखा कैसा उनको सजा दे दिया अल्लाह ये तो उसकी सुन्नत है ही नहीं जब दुनिया में इंसान पैदा होता है अल्लाह बोलता है कि मैं उसकी जान से बचाने के लिए एक इंसान को बना के और आजाब दे देंगे क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं है जितनी बड़े बड़े गुनाह थे जो खास तौर से जिनको मुंकरात कहा जाता है बड़े बड़े आदाब है जैसे जिना है इसी तरीके से सूदखोरी है इसी तरीके से बुत परस्ती है आप देखें शिर्क कितना बड़ा गुनाह है अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर एक मंजर दिखा दिया जाए कि भाई इन इन लोगों के साथ जो पहले खाने काबा में या अरब में बुत परस्ती लाया उसको आपने देखा तो जानम कहता ना कहीं अच्छी रहा बराबर है लेकिन तर हकीकत वो मंजर था जो आपको दिखाएगा कि ऐसी सजा इनको आगे मिलने वाली है इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास इसलिए बुलाया गया था ताकि कुरान हकीम को तालीम उलियहू मिन आयातिन अल कुबरा ताकि हम आपको अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएँ अब निशानियाँ दिखाने के बाद जो बड़े बड़े गुनाह थे उनका एक दिल से दिखाया गया आपको आलमी मिसाल में ताकि आप जा करके लोगों को ये बताएँ कि भाई वहाँ मैं देख करके आया हूँ किस तरीके का मामला है अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें कहे हम अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाने के लिए बुला रहे हैं ले माने लिए इसलिए कि हम बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएँ अगर अल्लाह खुद कहे हम बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखा रहे हैं अगर दिखा देते सुन सुन्नत है ना आयत है आयत है आप सही जरूरी होगा इंसान को नहीं नहीं आप खामखा उसको अजाब दे ये कह रहा है खामखा नहीं दे रहा है खामखा नहीं दे रहा है खामखा नहीं है खामखा नहीं है अच्छा आप ये बताइए फिर वो जो लोगों को अजाब अजाब जानने हासिल हो चुकी थी क्या नहीं नहीं मंजर दिखाया गया है इसलिए कि वो मुजजा है मुजजा है वो मंजर है वो नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती हैं अब अल्लाह तबारक तआला का हाथ है आप बता सकते कैसा है कुरान में है ना कुरान में पैर है हाथ है सारी चीज़ें लेकिन आप नहीं दिखा सकते नहीं बता सकते आप उसको वाजे नहीं कर सकते आप तो आप नहीं मानेंगे कोई चीज़ ना समझ में आए तो ये समझ में कैसा तो ऐसी बात है ना सिर्फ वो ये एक बात नहीं है जो समझ में अच्छा ये खामखा आदाब इनको क्यों हो रहा है ये खामखा आदाब इनको क्यों दिया जा रहा है आप खुद पढ़ लीजिए एक मिनट नहीं ये मैं हाँ दिखा दे रहा हूँ जी ना आप तर्जुमा पढ़े यहाँ से नहीं से कैसे पढ़िए पढ़िए जरा जोर से पढ़िए हाँ नहीं जोर से पढ़िए जिनको अब यहाँ है तुम ये तुम और जिनकी तुम पूजा करते हो अल्लाह को छोड़ करके सब जानो कहीं धन तो ये पत्थर भी वहाँ है पत्थर भी जाएंगे पत्थरों की क्या खबर है पत्थरों की क्या खबर है अच्छा मरने के बाद हम किसी की पूजा करने लगे उस आदमी ने कहा था कि हमारी पूजा करो भाई पत्थर पत्थर इसने कहा था कि हमारी पूजा करो ये क्यों जा रहे उसमें तो माँ है माँ जितनी भी चीज़ों की तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा सबके सब जानेंगे ही नहीं चंद लोगों का इस्तेमाल है जैसे अंबिया है या जिन लोगों ने इसको मना किया जिससे रोका उन लोगों को वो कर दिया जाएगा भाई भाई वो तो बेजबान है बेचारा वो तो बेजबान है उसको सजा कुरान में पत्थर पर नहीं पत्थर 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 कैसे पत्थर पत्थर नहीं पत्थर पत्थर नहीं है अब ये पत्थर पत्थर नहीं है अब ये पढ़िए ये पत्थर क्यों है पत्थर पत्थर नहीं है जी ये पढ़िए पत्थर पत्थर नहीं फिर भाई तुम्हारे दिन बारिश के पत्थरों के
मालिक पत्थरों के हो गए हो, अच्छा बल्कि उनसे भी ज़्यादा सब तहकीक के कुछ पत्थर उनसे फूट पड़ती है नहरें और बिलाशुबा कुछ उनमें से वो है कि फट पड़ते हैं, हाँ निकलता है उनसे पानी और तहकीक के कुछ उनमें से ऐसे हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से, तो अल्लाह का डर बढ़ता अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से गिर पड़ते पत्थर। हर चीज़ एहसास रखती है, कैसे समझ में कायनात की हर शय एहसास रखती है, जज्बा रखती है होता पहाड़ पहाड़ खशियत से अल्लाह की खुशी से डर रहा है उसके बाद क्या साथ दिन खशियत ही था अल्लाह की डर से भी जा रहा है, यानी अल्लाह का डर है और हर चीज़ तस्वीर बयान कर रही है अल्लाह तबारक और हर 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 एक चीज़ नमाज़ पढ़ रही है मालूम है कुरान में भी हर चीज़ नमाज़ पढ़ रही है, नमाज नमाज के बारे में नमाज पढ़ती है अच्छी है ये लफ्ज़ नमाज हर चीज़ तस्वीर पढ़ती है नमाज पढ़ती है ये भी नमाज बेशक अल्लाह तस्बीह करता है उसके लिए, बेशक तस्बीह करता है उसके लिए हर कोई जो आसमानों में है और ज़मीन में और परिंदे पर फैलाए हुए हैं, हर एक मखलूक ने यकीनन जान लिया है अपनी नमाज नहीं आप कैसे नमाज है नमाज है नमाज है वहाँ आप सलाह से बोल रहे हैं बात कैसे बोल रहे हैं आप नमाज है पहुँचने भी नहीं बात वो जाने दीजिए वो नमाज ही बात कुरान के लफ्ज़ में नमाज है वो ब्रेक नहीं मानते ब्रेक वो तशरीह जाने दीजिए तो अब ये ठहरा कि जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में तहकीक कीजिए आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके अक्ल के खिलाफ लग रही हैं तो उनके बारे में आप तहकीक कीजिए और अगर समझ अच्छा टकराव का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में से टकरा जाए सॉल्यूशन ना हो तो कुरान हकीम बहुत सारी ऐसी आयतें हैं ऐसी जो आपस में टकरा रही है लेकिन सॉल्यूशन है ज़्यादा तो आपस नहीं तालस में अभी तो दज्जाल का जो है अल्लाह की सिफतें उसमें नहीं 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 बिल्कुल नहीं हदीस में नहीं 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 आपने हदीस को पढ़ा नहीं वो हदीस को पढ़ा नहीं आपने अभी उस पर जो कैसेट आई है इस पर तफसीर सुनी कैसे आपने जी दज्जाल के ऊपर एक बहस है उसमें ये है कि जैसे ये शोभाबाजी दिखाते हैं ना कोई वो कहेगा अगर तुम मुर्दों को जिंदा कर दो ये मेरे बाप की खबर है अगर तुम जिंदा कर देते हो उसको तो मैं तुमको खुदा मार दूँगा अब वो आता है और उसके बाद उसको जिंदा कर देता है ऐसा नहीं बल्कि हदीस में ये है कि वो जिंदा नहीं होता बल्कि उसकी जगह एक शैतान आकर के या कुछ भी उसी की शक्ल का उसको दिखाई देता है तो जिंदा मुर्दा नहीं होता मुर्दा जिंदा नहीं होता कि हदीस में ये अल्फाज हैं नहीं 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 गलत है वो बिल्कुल गलत है वो गलत है वो तहकीक नहीं कर सका तहकीक तहकीक नहीं कर सका मैं तो पूरी हदीस पढ़ता है जिंदा करते हैं आसमान से बारिश बरसाता है जमीन से आना झुका दी तो अल्लाह की सिफत है तो ये कैसे आ सकती है हमारा मकसद सब वो सही नहीं अभी अभी सुना लो मदीन साहब ने इससे पहले कहा नहीं आप प्रोग्राम फसल का लेने से पहले उन्होंने बताया तो आप आपके साथ बात बात की तो रूह में उसके बाद दूर शरीर के बारे में उन्होंने कहा था कि एक फरिश्ता है और रूह को लौटाता है मतलब आपके आप जो दूर पढ़ते हैं वो सलाम आपका आप तक पहुँचाता है फला फला ने आपको पहुँचाया है वो दूर फिर अल्लाह उनकी रूह को लौटाता है फिर वो आपका जवाब भी देते हैं तो फिर वो ये इतने सारे तो हर आदमी दुनिया और आखिरत के बीच बीच का मामला है
और उसके बारे में जितना बता दिया गया जितना, इसलिए कि हम जानने का कोई जरिया नहीं हमारे पास, जितना बता दिया कि चुपचाप मान लेना, इसलिए कि हम जो है नहीं भी नहीं कर सकते, इसलिए कि बात कही गई और हाँ इसलिए करेंगे, इसलिए कि साजिद ने खबर दी है, पता नहीं उसकी क्या कहती है, कैसे मालूम नहीं रोजाना आप पर पेश किया नजर आ रही है, कोई देख ही नहीं पा रहे को आप पर कैसे पेश किए जा रहे कुरान में है, दूसरा ना पेश किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, समझ पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, देख अरे दिमाग का क्या है, अक्ल का क्या है, दिल का क्या है, कुछ मालूम ही नहीं है इंसान, बहुत मामूली इल्म दिया गया है पुराने इल्म का, माहूती थी मेरे लिए मिला था इल्म, तुमको इल्म बहुत मामूली दिया गया है। अब अल्लाह को अब यहाँ आप बोल रहे कि आप यकीन नहीं कर सकते, आप उसको सोच नहीं सकते, हम उसको इदराक नहीं कर सकते, तो एक सवाल ये है कि भाई अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि शहीद को हम आप मुदा मत करो, वो जिंदा है और हम को रिस्क दे रहे हैं, वो आप नहीं जान सकते, आप उसको शव में रखते हैं, कैसा उनको इसको है, ये है। इसके बरस हदीस में ये है कि उसको जो है तो एक परिंदे की शक्ल दी वाली है, मेरी बात सुनिए ना, आप बोलो ना, वो है कि वो जाता है जब उसको भूख लगती है तो उड़ता है, वो जाता है खाता है, आता है, जब यहाँ अल्लाह बोला तुम जान ले सकते हो, तो हदीस में हमने कैसा उसको परिंदे की शक्ल दे दी है, उसको भूख लग रही है, हमने कैसे जान लिए, अल्लाह बोला तुम जान नहीं सकते, इदराक इदराक हदीस में कैसा हुआ ये मेरा एक सवाल है, ये इसको इदराक कैसा हुआ ये हदीस में, यही चीज़ जो बोल रहे हैं ना, तब देखिए अब यहाँ मामले मामले का जो बयान किया गया है मामले शोहदा का है, आम लोगों का नहीं है, रसूल ने उसको तफसील से बता दिया है, ये आम शोहदा का मामला है, आम लोगों का मामला नहीं है, हाँ शोहदा का क्या मतलब शहीद, ये तो बाकायदा उसमें असहाब यासीन के बारे में पूरी तफसील है कि वो जन्नत में पहुँचने के बाद ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो गया ना वो जन्नत तो गया ना, परिंदे के कालम लिया किसी भी कालम उसको रखा गया बोल रहा है, आप ही के बात से नहीं नहीं इदराक दे सकते, हमने कैसा इदराक दिया, नहीं नहीं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि भाई मत उतने पर इत्तेफाक करना है, हम अपनी अक्ल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते, तो कुरान ने बताया तो वो वहाँ आप कुरान ने सिर्फ तफसीर की उसे कह रहे हैं कि भाई हम उस पर अकल नहीं रखते, हम वहाँ से आगे हम भाई नबी बता रहे हैं, नबी बता रहे हैं, टकराव क्या है, अल्लाह बोल रहा है की तुम जान नहीं सकते, तुम उसको शौक नहीं रखते, हदीस में वो परिंदे की शक्ल है, वो जा रहा है, उड़ रहा है, खा रहा है, भूख लगती तो आ रहा है, इसको हमने शक्ल दे दिया ना उसको, मैंने अल्लाह नहीं बोल रहा है तुम जा नहीं सकते, और हमने उसको शक्ल किसने बोला, ये किसने बोला, ये दोनों ये परिंदे के शक्ल मिलेंगे, दो मिनट आए दोनों आए तो बाकी की कटमट कर दिया, अब दोनों आए दो अलग अलग मकाम के आए थे, असल में अजहर भाई सब कुछ जानते हुए भी लोगों को सुन बकरा रहे थे, खाली तंग कर रहे हैं लोग, सब सब मसला है, इनको मसला है समझ, ये देखिए ये मसला रहा आपका कि वो शऊर नहीं रखते, बराबर है कहाँ है लकिल्ला तशूर का है ये वाला किल्ला तशूर जो अल्लाह के राह में मारे गए, देखिए कायद है इसकी, सब लोग नहीं, जो लोग अल्लाह के राह में मारे गए वो जिंदा है, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते उनकी ज़िंदगी का, बराबर, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, बराबर है, ये किया है, अब ये आयत मुतशब है मतशा में मौकम के ऊपर पेश करती है, अब मैं इसे मौकम के ऊपर पेश कर रहा हूँ,
किया है साजा कुरान ले लिया हाँ वो जिसमें हिफ्स किया उसमें असर सुना जाता है वही टाइप है पढ़िए लाता समन में लगी रखो तीन फिर समझ लाए मत पढ़िए उसको दो से अल्लाह की राह में दिए जा रहे हैं देखो रिस्क दिए जा रहे हैं वहाँ शऊर नहीं है यहाँ रिस्क दिए जा रहे हैं अब रिस्क दिए जा रहे हैं उसके बाद आगे पढ़िए खुश है अल्लाह ने जिनको दिया है अपना फ़ज़्ल और आगे कर रहे हैं उस चीज़ के साथ हाँ आगे अब देखिए वहाँ ये था कि तुम शऊर नहीं रखते अब यहाँ रिस्क दिए जा रहे हैं उस मुतशाबे को हमने मोहकम के ऊपर पेश किया और इसी मोहकम की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिस्क कैसे दिया बेहतरीन अल्लाह तबारक तआला को अच्छा ज़हन दिया है बहुत दिलीप तक पहुँचे यकीन मानिए और आप सब कुछ जान रहे हैं इतना जीनियस होकर के कोई आम आदमी होता तो उसका मुँह ही नहीं लगता तो हम ऐसी बहस करते हैं किसी के साथ इतना जीनियस होकर के आप कैसे सारी चीज़ों मुहकम और मुतशाबे तब से तुम देखें और जब आपने मान लिया कि हम अहादीस मानते हैं तो अब रह गया मसला जो अक्ल से टकराए तो जो टकराए उसको तहकीक कीजिए अगर ज़ईफ़ निकले रद्द कर दिए हम कहाँ कहते हैं आप मानते हैं